जलंधर से पहला एमपी आम आदमी पार्टी का लोकसभा में गया, इस बार पहला एमपी जाएगा, अगली साल ऐसा अच्छा काम करके दिखाएंगे 13 के 13 एमपी पंजाब से लोकसभा के अंदर जाएंगे। एक साल में इतना काम कर दिया, करा कि नहीं करा? बिजली के बिल किस किस के जीरो आते हैं हाथ खड़े करो, देखो सबके, कैमरे वाले जरा दिखा दो, कैमरे वाले थोड़े से दिखा दो, सबके बिजली के बिल जीरो आने लग गए, किसी ने सोचा नहीं था। एक साल पहले जब हम पूरे पंजाब में घूमते थे, हम कहते थे बिजली के बिल जीरो कर देंगे, लोग सोचते थे यार पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, एक मौका तो देके देख लो। जब हमारी सरकार बनी, हमने ये सोचा कि हम बिजली के बिल जीरो करेंगे, कई लोगों ने आके समझाया अभी मत करो, 5 साल बाद करना, जब चुनाव आएंगे उसका फायदा होगा, लेकिन हमने तुरंत कर दिया। हम राजनीति के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, लोगों के काम करने के लिए आए हैं। अब लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, बच्चे पक्के हो रहे हैं, बिजली के बिल जीरो हो गए, किसानों के काम हो रहे हैं, युवाओं के काम हो रहे हैं, महिलाओं के काम हो रहे हैं, शहीदों को लो 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ऐसे काम आज तक कभी किसी ने नहीं देखे थे पंजाब के अंदर, जैसे काम अभी होने शुरू हुए हैं, एक साल में कर दिए। आज जलंधर वालों से 1 साल मांगने आए हैं, 5 साल मांगने नहीं आए, 1 साल, 11 महीने, 11 महीने दे दो। 60 साल तुमने कांग्रेस को दिए कि नहीं दिए? 1 साल हमको दे दो, 11 महीने दे दो, काम पसंद नहीं आए अगली बार मत देना। और 11 ये शुरुआत है। आम आदमी पार्टी आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के स्नेह से आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई 10 साल के अंदर। अब लोकसभा में जाने का टाइम आ गया है। लोकसभा में जब आम आदमी पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा, जब आम आदमी पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, तो पूछा जाएगा कि पहला एमपी कौन था? पहला एमपी सरदार भगवंत मान था। उसके बाद थोड़े दिन कोई एमपी नहीं रहा, उसके बाद जलंधर से पहला एमपी आम आदमी पार्टी का लोकसभा में गया, इस बार पहला एमपी जाएगा, अगली साल ऐसा अच्छा काम करके दिखाएंगे 13 के 13 एमपी पंजाब से लोकसभा के अंदर जाएंगे। आपने 60 साल आपने कांग्रेस को वोट दिए, जलंधर का चुनाव है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वोट मांगने आया दिल्ली से? कोई नहीं आया। हम 2 मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के 2 सबसे बड़े नेता हैं, दोनों आपसे वोट मांगने आए हैं, अपनी झोली फैला के जलंधर वालों से दोनों वोट मांगने हैं। कांग्रेस को आपकी वोट की जरूरत ही नहीं है, वो वोट मांगने ही नहीं आए। तो अगर कोई वोट मांग ही नहीं रहा तो उसको क्यों देते हो? फ्री में थोड़ी आती है वोट। कोई नहीं आया वोट मांगने, इनका बड़ा आदमी कोई राहुल गांधी आए, कोई नहीं आया, उनको चाहिए ही नहीं, उनको लगता जलंधर वाले ऐसे ही दे देंगे, अब ऐसे नहीं मिलता वोट, अब मांगना पड़ता है वोट। तो दोस्तों हम दोनों आज आपके बीच में आए हैं, आप लोग इतनी धूप के अंदर टाइम निकाल के आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है, सरदार भगवंत मान ने जब संगरूर से चुनाव लड़ा था एमपी का, तो एक नया रिकॉर्ड बनाया था पूरी देश के अंदर।